और दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एसएससी ने बहुत ही बढ़िया खुशखबरी सुनाया है। एसएससी जीडी कांस्टेबल, दोस्तों ध्यान सुनिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो नई भर्ती प्रक्रिया आ गई है और एसएससी जीडी एनआईसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें जो भर्ती आई है सीआरपीएफ का दोस्तों, 1,30,000 का सीआरपीएफ का दोस्तों, ठीक है, सीआरपीएफ का 1,30,000 नई भर्ती है। अब इसकी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसकी उम्र सीमा जो है, इसकी उम्र सीमा सीआरपीएफ कांस्टेबल की 10वीं पास होगा, ठीक है, 10वीं पास होगा दोस्तों, और इसकी वय सीमा है 18 से 23 वर्ष। खैर ये सबको पता है कि 18 से 23 वर्ष है। अब इसमें छूट किसको मिलेगा, ओबीसी, जो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, और जो एससी कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वर्ष की, दोस्तों उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है। बाकी अग्निवीरों का अलग अलग क्राइटेरिया है, उनको पहले से पता होगा कि 10% अग्निवीरों के लिए ये रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। और हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस कांस्टेबल 1,30,000, 1,30,000 की भर्ती आएगी, और ये 10%, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10% पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि जब से अग्निवीर लॉन्च हुआ है उसमें कहा गया है कि कोई भी भर्ती आएगी तो 10% अग्निवीरों के लिए रखा जाएगा, यानी 90% पे आपकी डायरेक्ट भर्ती कराएंगे सीआरपीएफ वाले। अब इसमें से जो दोस्तों नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कुल जो पद है दोस्तों 1,29,929, यानी 1,30,000 लगभग इसमें पद है, बहुत ज़्यादा पद है दोस्तों। और समझ जाइए कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, आपको एकदम अच्छे से तैयारी करने में जुड़ जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम लग जाना चाहिए, क्योंकि जल्द से जल्द इस हम प्रक्रिया करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैसे कैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए लिखा क्या है कि सीआरपीएफ जीडी कांस्टेबल की यह भर्ती एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा के लिए की जाएगी। सबसे पहले जीडी कांस्टेबल की भर्ती में लिखित परीक्षा होती है, पेपर 1 घंटे का रहेगा दोस्तों, इसमें पेपर 1 घंटे का रहेगा, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी और शारीरिक माप तौर परीक्षा पीएसटी बुलाया जाएगा। अब दोस्तों इसमें से आप लोग ये समझिए, देखिए इसमें से आप लोग ये समझिए, जो मेल हैं दोस्तों, जो मेल है उनकी हाइट रहेगी 70, और जो दोस्तों फीमेल है उनकी हाइट ये है 157 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। 170 सेंटीमीटर है आपका पुरुष का, आप फीमेल का 157 सेंटीमीटर है। दोस्तों भर्ती बहुत ही बढ़िया है, आपको हमने बताया कि 1,30,000 भर्ती है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और पूरी उम्मीद है दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि ये नवंबर तक ये भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाए, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसमें लग जाना है, चूकना नहीं है, ताकि इसमें कंफर्म हो जाए। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं, तो पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये जो सीआरपीएफ की वैकेंसी है ये पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है दोस्तों। बाकी हमारे दोस्तों हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, जैसे कुछ अगला नोटिफिकेशन आएगा, कब से इसका ऑनलाइन होगा, कब क्या होगा, सारे डिटेल में हम बता देंगे। आप चैनल को दोस्तों फॉलो कर दीजिए, बाकी जैसे ही वीडियो यहाँ पे डाली जाएगी कोई भी भर्ती से रिलेटेड से लेके आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। धन्यवाद।